सिरमौर के पच्छाद से सुशील कुमार भृगु राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल में चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही है। आने वाले चुनावों में जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दल चुनावी बिसात बिछाने में पूरी तरह से जुट चुके हैं। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी भी इस चुनावी संग्राम में कूद चुकी है। पिछले कल रोमित सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की सूची की है। इसमें एक नाम सुशील कुमार भृगु का है, जो पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से हैं। गौरतलब है कि यह विधानसभा क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन इसमें अब भाजपा का कब्जा है। वहीं अब राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी भाजपा और कांग्रेस का गणित बिगाड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार दिख रही है। इस मौके पर सुशील कुमार भृगु ने कहा कि कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही राजनीतिक दलों ने यहाँ विकास करवाने के काफी बड़े बड़े वादे किए हैं, जनता की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए। यही वजह है कि आज राष्ट्रवादी पार्टी चुनावी संग्राम में कूद चुकी है और वह रुके हुए विकास को गति प्रदान करना चाहती है। उन्होंने जनता से आग्रह करते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के इस मुहिम में उनका साथ दें। जैसा कि आपने अभी बात कही है कि जो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने मुझे जो है पछाड़ के लिए जो है एक कैंडिडेट के रूप में जो है निर्णय लिया है, तो जो है पछाड़ की जो जनता है इस समय जो है अनेक मुद्दों पर जो है वो उनके जो काम नहीं होते, जैसे विशेषकर सड़कों का है, पानी का है, किसानों का है, कर्मचारियों का है, स्वास्थ्य से संबंधित हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, सभी क्षेत्र में कहीं ना कहीं कमियां हैं। तो लोग चाहते हैं कि इसमें तेजी आए, गति आए। तो इस उद्देश्य को लेकर जो है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आगे बढ़ रही है कि जो भी विकास के काम हैं उसमें जो तेजी लाई जा सके। जैसे अगर बात करें रोमित सिंह ठाकुर की, वो एक जो मोमेंटो है वो चला रहे थे और वो चला रहे थे कि स्वर्णों को जो आरक्षण है वो मिलना चाहिए या आरक्षण जो दूसरा है वो खत्म होना चाहिए, लेकिन आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपका विरोध नहीं होगा आपके जो लोग हैं? जी सर, आरक्षण इस समय जो है हर वर्ग को जरूरत है, उच्च वर्ग को भी जो है इसमें फायदे की जरूरत है, लेकिन जो पार्टी ने तय किया आर्थिक आधार पे जो हमारी जातियां भी वो भी आती हैं, गरीब लोग भी आते हैं, तो गरीब लोग तो जरूर चाहेंगे कि हमारा भी उत्थान हो। कुछ लोग जो है उठ चुके हैं और ज़्यादा जरूरत अब उनको नहीं भी है, तो नैतिकता के आधार पे जो है उनको भी जो है अब ये आरक्षण छोड़ देना चाहिए और जो आर्थिक आधार है उसका साथ देना चाहिए। जी, जो पार्टियां सर आती हैं वो सब जो है काम करती हैं, कर रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी अलग से जो है उसमें गति लाना चाहती हैं, तेजी लाना चाहती हैं और हर वर्ग को जो है समस्याएं जो भी हैं उस तक पहुँचनी चाहती हैं। छोटी से छोटी जो भी समस्या लोगों की हैं उसको भी जो है बड़ी तेजी के साथ जो है करना चाहती हैं। देखिए, सब पार्टियां जो काम करती हैं, लेकिन जो लोग बोलते हैं कि ये सड़कें जो खराब हैं, तो सीधी सीधी तो बात यही है कि उनको जो उस पर ध्यान देना केंद्रित करना चाहिए था और आगे आने वाले समय में भी जो है सबको जो है जो भी सत्ता में पार्टी आएगी उनको ध्यान देने की जरूरत है, तभी जो है लोग खुश होंगे, क्योंकि लोग तो जो है अपना विकास चाहते हैं, हर क्षेत्र में चाहते हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।